Hello to all my dear students. Welcome back to my class. Welcome back to SSP platform. Welcome to all my dear kabooters. Welcome back to all my dear SSPNs. Yes, bacha log, kaise hain aap sab? How is your josh? How is your energy? How is your life going on? And kahin aap ye soch kar to mayus nahi ho gaye ho ki bhai 11th aur 12th ki jo series humne SSP platform par start ki thi, us par video lectures aa kyun nahi rahe hain aur kyun ma'am aur sir दोनों वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे हैं? तो बेटा उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था. कारण पहला तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और यूट्यूब पर तो देख ही चुके हैं. दूसरा मेन रीज़न था बेटा ये, है ना, तो CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं और इसीलिए हम पुराने पैटर्न के साथ बेटा कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग एक प्रॉपर क्लैरिटी लेकर आए हैं आज के सेशन में, ताकि जितने भी बच्चे यहाँ पर 2022 के लिए 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने सिलेबस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सके. तो शुरुआत करें बेटा. हाँ जी, शुरुआत करने से पहले ढेर सारा हैशटैग ओपी इन द कमेंट सेक्शन. आई जस्ट वांट टू सी योर हाई एनर्जी. यस बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं. एंड लेट्स टेक अ प्रॉमिस एंड लेट्स टेक अ प्लेज कि भाई हम अपने SSP प्लेटफॉर्म को, अपने इस प्लेटफॉर्म को बेटा बहुत बड़ा करेंगे एंड इंडिया का नंबर वन, इंडिया का सबसे बेस्ट नंबर वन प्लेटफॉर्म NCERT CBSE बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बनाएंगे और उसके लिए हम सब मेहनत करेंगे. और हमारे सारे प्यारे बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि यहाँ के सेशंस अटेंड करके आपका टारगेट यही है कि आपको 95+ ही स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम्स में. करेक्ट बेटा? इस टारगेट के साथ, इस माइंडसेट के साथ बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको पता हो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होने वाली है, उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, क्या सिलेबस में रिडक्शन होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल और एग्ज़ाम का स्लॉट कब बेटा स्लॉट प्लेस किया गया है, उसके अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं. तो क्लैरिटी ले ले फटाफट से. चलिए शुरुआत करते हैं. हियर वी गो. तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी CBSE की तरफ से अनाउंसमेंट ये हुई कि CBSE की बोर्ड एग्ज़ाम 2022 दो टर्म्स में कंडक्ट होगी. कितने बेटा? टू टर्म्स में कंडक्ट होगी. चलिए देखते हैं अब इन टर्म वाइज क्या वेरिएशन है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे. जी ओके, तो शुरुआत करते हैं दोनों टर्म से. देखिए बेटा, टर्म वन के अंदर भी 50% सिलेबस आएगा, टर्म टू के अंदर भी 50% सिलेबस आएगा. अब आप पूछोगे मैम 50% कितना? तो बेटा 50% का जो सिलेबस है उसके लिए CBSE ने ऐसा कहा है कि जुलाई के एंड में वो एक अपडेटेड सिलेबस CBSE के करिकुलम वेबसाइट पर पोस्ट करने वाली है. अभी तक जो टर्म वन और टर्म टू के हिसाब से सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये एक मेजर इशू है, अभी तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, टर्म वन के अंदर 50% तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जैसे केमिस्ट्री के दो पार्ट हैं, फिजिक्स के दो पार्ट हैं, बायो के दो पार्ट हैं, मैथ्स के आई डोंट नो कितने पार्ट है बेटा, बट कंसीडरिंग दैट आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक आएगा. ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टर्म वन के एग्ज़ाम बेटा नवंबर या दिसंबर के आसपास आपकी कंडक्ट की जाएगी और टर्म टू एग्ज़ाम बेटा मार्च या अप्रैल 2022 में कंडक्ट की जाएगी. अब ज़रा ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो 50% सिलेबस है, नया सिलेबस बहुत ही जल्दी CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे बेटा रिलीज़ होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा. बट अभी हम मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक इज़ गोइंग टू बी एंड देर आर चांसेस कि हो सकता है थोड़ा सिलेबस रिडक्शन पॉसिबल है. नॉट श्योर, नॉट श्योर, हाँ, जस्ट अ टेंटेटिव आइडिया जो कि कंक्लूजन निकाला जा रहा है. ओके, अब बात आती है कि ये जो 50% सिलेबस में टर्म वन की एग्ज़ाम होने वाली है, क्या उसके क्वेश्चन पेपर स्कूल के टीचर्स बनाएंगे? बिल्कुल नहीं. वो क्वेश्चन पेपर बेटा आपकी CBSE ही रिलीज करेगी विथ मार्किंग स्कीम. ठीक है, यानी पेपर आपका बोर्ड का ही होगा, स्कूल के टीचर्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे और वो आएगा CBSE के सेंटर से. तो हमें हमारा दिमाग
उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए देखते हैं और क्या अपडेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा प्राइम फोकस टर्म वन के एग्जामिनेशन। करेक्ट बेटा, टर्म वन के एग्जामिनेशन में आपका जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन पैटर्न बेटा चेंज हो गया है। एमसीक्यू पैटर्न में आपकी एग्जाम होने वाली है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। चार ऑप्शन होंगे, कोई एक चूज करना होगा आपको सही है या गलत। अब उस एमसीक्यू में आपको पता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो बहुत वेराइटीज आती है उसके अंदर। केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, तो मान लीजिए एक चैप्टर दे दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पैराग्राफ दिया, उस पैराग्राफ से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे लाइक दैट। ये तो पिछले साल के बच्चों ने भी केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, सो डोंट वरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एसर्शन रीजन क्वेश्चन। एसर्शन रीजन दिया होगा और फिर आपको ऑप्शन चूज करना होगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कई बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि शुरुआत से ही आपको इन दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए अच्छे से ट्रेन कर दें। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो बेटा ये एमसीक्यू पैटर्न वाली एग्जाम कितनी देर तक होगी, 90 मिनट तक, ठीक है। 90 मिनट की एग्जाम होगी। आंसर आपको कहाँ लिखना होगा, ओएमआर शीट में। और अगर कोरोना की कंडीशन बेहतर नहीं होती है तो हो सकता है ये वाली एग्जाम आपकी ऑनलाइन कंडक्ट हो, ठीक है। एमसीक्यू में तो अगर ऑनलाइन कंडक्ट होती है तो कोई टेंशन नहीं है, और उसमें कई सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे, भाई सिर्फ ओएमआर में सर्कल ही तो मारना है और उसमें तो अब हम ट्रेंड हो चुके हैं। करेक्ट बच्चों। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो एग्ज़ाम टर्म वन की होगी ना, उसका सेंटर आपका खुद का स्कूल ही होगा। जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में जाकर एग्ज़ाम देनी होगी। ऑफलाइन होगी अगर कोरोना कंडीशन, मतलब समझ गए आप, है ना, कंट्रोल्ड वे में हुआ, सिचुएशन कंट्रोल में रही, तो आपके स्कूल पर ही सेंटर होगा, आप जाकर एग्ज़ाम देंगे और उसके हिसाब से फिर आपका जो भी आगे का प्रोसेसिंग होगा। अगर इन केस बेटा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा। यानी कि नवंबर दिसंबर की तो हमें क्लैरिटी है कि एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न में ही होने वाला है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप पे फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आ ही नहीं रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एमसीक्यू ही आता है, और अब बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यू आ रहा है। तो नवंबर दिसंबर तक हमें फुल्ली फोकस करना है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर ही। तो ये चीज़ बेटा ध्यान में रखो, ये मेजर चेंज है एग्जामिनेशन पैटर्न का। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग एंड हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग। एंड आई नो ऑल द ट्रू SSPians, दे आर गोइंग टू गिव देयर 100% इन द प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यस बेटा, सबका टारगेट 95+ ही होना चाहिए, उससे नीचे हमें स्कोर बिल्कुल नहीं करना है। इज इट क्लियर? ओके, तो टर्म वन अभी ध्यान में रखते हैं, टर्म टू की टेंटेटिव क्लैरिटी दे देती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, पे अटेंशन हियर, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न अभी डिसाइड हुई है बेटा कि जो आपका टर्म टू का पेपर है वो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब ज़रा सोच लो, CBSE इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं बेटा, इतनी हाईएस्ट रिनाउंड एक इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए वो चैप्टर्स बहुत ही होशियारी से चूज करेंगे। और इसीलिए यही रीज़न है कि हमने थोड़ा पॉज किया है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि जो नवंबर दिसंबर की एग्ज़ाम है उसके अंदर ये कौन से चैप्टर्स रखेंगे जिसमें से MCQ पैटर्न के क्वेश्चन पूछने हैं, और सब्जेक्टिव पेपर में जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा। यही बेसिक क्लैरिटी का इशू है बेटा, इसीलिए हमने थोड़े से सेशंस आपके पॉज किए थे। बट टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके साथ हम लगे हुए हैं, जो जैसी अपडेट आती है उसके हिसाब से फुल ऑन फॉर्मेट चेंज करके हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, है ना, ऑल इज़ वेल। ओके, तो हमें क्या करना है बेटा, टर्म टू का पेपर सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा तो उसमें कौन से चैप्टर्स होंगे वो तो CBSE ही डिसाइड करेंगी, एंड आई थिंक दे हैव द बेस्ट पॉसिबल पैनल
टू डिसाइड दिस, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्टिव पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे आपके रेगुलर पेपर हुआ करते थे, 2 मार्क 3 मार्क वाले. और ये जो भी पैटर्न है ये CBSE अभी अपडेट नहीं की है अपने वेबसाइट पे, जैसे जैसे करेगी मैम आपको बताते रहेंगे, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी बेटा वो 2 घंटे की सब्जेक्टिव पेपर होगी. अब दिक्कत क्या है, कोरोना काल, ठीक है, दिक्कत है आपका कोरोना काल बेटा. तो मान लीजिए ऑप्शनल सिचुएशन ये है कि अगर आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं, इन दैट सिचुएशन 90 मिनट की MCQ एग्ज़ाम ही होगी. सो मच कन्फ्यूजन राइट नाउ, गेटिंग इट. तो अब MCQ एग्ज़ाम ही होगी अगर कोरोना काल सही नहीं हुआ तो, 90 मिनट्स का अगर कोविड सिमिलर कंडीशन में रहता है तो. और अगर नहीं रहता है तो सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो भाई ये सारे इश्यूज हैं. और Term 2 का जो पेपर होगा बेटा वो आपको अलग अलग सेंटर्स पर जाकर देना पड़ेगा, यानी जो भी CBSE आपको सेंटर अलॉट करती है, स्कूल को सेंटर अलॉट करती है, Term 2 का पेपर आपको वहाँ जाकर देना पड़ेगा अगर कोविड की कंडीशन न्यूट्रलाइज हो जाती है तो, ठीक है. तो ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर प्रिडिक्शन हो गया, तो इस पर हम फोकस अभी ना करके Term 1 पे फोकस करते हैं. और Term 1 की कंडीशन ये है कि एग्ज़ाम आपकी स्कूल में ही होगी, एक्सटर्नल इन्विजिलेटर प्लेस कर देंगे वो एग्जामिनेशन के टाइम पे ताकि चीटिंग ना हो. तो आपको स्कूल में जाकर MCQ एग्ज़ाम देनी है, MCQ पैटर्न की OMR शीट फिल करनी है, और कोरोना कंडीशन रहा तो वो चीज़ ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी जाएगी. तो आई थिंक मैंने आपको ओवरऑल क्लैरिटी दे दिया कि Term 1 एंड Term 2 में 12th के CBSE के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने के किस तरह से चांसेस है. व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज बेटा अ प्रॉपर सिलेबस. सो न्यू रेशनलाइज्ड सिलेबस फॉर Term 1 एंड Term 2 विल बी पब्लिश्ड इन जुलाई. दिस इज व्हाट द लेटेस्ट अपडेट वी हैव फ्रॉम द CBSE, करेक्ट. ओके, तो भाई अभी तक तो हम वेट ही कर रहे थे भाई निकाल दो नया सिलेबस. अब जुलाई आ गया है, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, वी हैव 2.5 मंथ्स लेस देन दैट. तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी सीरीज़ है बेटा उसको उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं. व्हाट वी कैन डू इज़ नए सिलेबस का भी वेट करते हैं, बट आई थिंक सॉलिड स्टेट होगा. तो लेट्स फोकस ऑन द सॉलिड स्टेट एंड आई होप कि जुलाई के एंड तक आपका सिलेबस रिलीज हो जाएगा. चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतना तो श्योर है ना बेटा, इतना तो श्योर है कि पेपर आपका फुल्ली MCQ बेस्ड होगा Term 1 का. तो हमें उस तरह से खुद को तैयार करना पड़ेगा. अब लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या होता था, थोड़ा भी लिखा है आपने तो हाफ मार्क मिल जाता था. MCQ में क्या है बेटा, सही तो सही, गलत तो गलत, क्योंकि OMR आपके स्कैन होते हैं, ठीक है. तो स्कैन होते तो गलत होगा तो गलत ही होगा, हाफ मार्क के चांसेस बिल्कुल नहीं है. सही तो सही, गलत तो गलत. तो ये प्रॉब्लम है और इसीलिए हमें अपना दिमाग उस हिसाब से चलाना होगा. तो उस हिसाब से बेटा व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि आपको चैप्टर्स उसी तरह से प्रोसीड करवाते हैं जैसे कि सॉलिड स्टेट चल रहा था. तो सॉलिड स्टेट को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ आपकी मेंटी क्विज कंडक्ट की जाएगी और आप उस मेंटी में जुड़ के अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं कि भाई हमने कितना पढ़ा, क्या हमें उतनी चीज़ें आती है. ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं MCQ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. और हम उसी तरह से अपना दबंग बैच कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नए अंदाज में विथ MCQs विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन Term 1. स्टिल अवेटिंग, स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द न्यू सिलेबस विच कैन बी रेशनलाइज्ड, विच कैन बी रिड्यूस्ड. हो सकता है कुछ इक्का दुक्का तिक्का टॉपिक रिड्यूस किए जाएं, तो उसकी उम्मीद रख रहे हैं अभी भी हम, ठीक है. लेकिन द बेस्ट पार्ट इज डोंट वरी, योर टीचर्स आर देयर, वी आर हियर, देन वाई टू फियर, वी आर वर्किंग फॉर यू, विल कम्प्लीट द सिलेबस ऑन टाइम. रात भर जाके करेंगे, दिन में जाके करेंगे, भले अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और वो आपको पता है कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है. तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब आपके साथ है, सब आपके फेवर में है.
और CBSE भी आपके फेवर में ही काम करती है, आपके भले के लिए ही काम करती है, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो अकेला मत महसूस करो, ये मत सोचो कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट करिए। जैसे रेगुलर सेशंस स्टार्ट हो जाते हैं मैम के साथ, स्टार्ट करिए। मेंटी क्विज जब कंडक्ट होती है उसका हिस्सा बनिए और लेट्स गो विद द प्रोसेस, लेट्स गो विद द फ्लो, जब तक हमारे पास नया सिलेबस अपडेट नहीं हो जाता है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। यस बच्चों, तो बता दीजिए चैट सेक्शन में क्विकली #OP, इज इट क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड, वन मोर सरप्राइज इज गोइंग टू कम अप इन द इवनिंग विथ अ न्यू फेस लॉन्च विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है वेरी सून, हो सकती नहीं है ही, ऑफकोर्स है, ठीक है। मैथ्स के लिए भी वी आर वर्किंग ऑन इट, सो डोंट वरी। मी एंड SSP सर, वी आर वर्किंग टुगेदर टू फ्रेम अ टीम, टू फ्रेम अ प्रॉपर टीम फॉर आर पीपल, आर SSP, एंड सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो वॉट यू हैव टू डू, यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम 12th के स्टूडेंट्स तक पहुँचे। कब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचती है? जब वीडियो पर लाइक्स ज़्यादा होते हैं बेटा, तो वो ज़्यादा सजेस्ट होती है। इसीलिए मैम आपसे आपका प्यार यानी कि लाइक्स मांगते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीन तक सजेस्ट हो और वो इस बैच से जुड़ सकें और खुद को कनेक्ट कर सकें, खुद को अपडेट रख सकें, ठीक है। दूसरा, लाइक एंड शेयर का बोल दिया, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एज यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबका हिस्सा हैं आप, हर चीज़ में इनवाइटेड हैं आप, और आप हमारे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स, लव यू लव यू लव यू सो मच। वी विल पोस्ट अप द न्यू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द वही सेम बैच इन द नया अंदाज, और सब कुछ नया जो बेटा आपका टाइम टेबल होगा या शेड्यूल होगा वो कम्युनिटी में पोस्ट किया जाएगा। तो कम्युनिटी से अपडेटेड रहिएगा, कम्युनिटी में वेरी सून वी विल अपडेट वंस वी लॉन्च आर बायोलॉजी टीचर। सो मोस्ट प्रोबेबली इन 1 or 2 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, अपकमिंग टुमारो, टुडेज मंडे, देन वी हैव ट्यूजडे, सो मे बी फ्रॉम ट्यूजडे और वेंसडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी विल अपडेट यू इन द कम्युनिटी। तो शुरुआत हो चुकी है बेटा जंग की, घमासान की। अब आपकी फाइनल एग्जाम मार्च में नहीं हो रही, आपकी एग्जाम बेटा इस नवंबर में है, 2.5 months के बाद MCQ की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। सिलेबस प्रॉपर अपडेट नहीं किया है CBSE ने, इसलिए हम एग्जिस्टिंग सिलेबस को पुश अप करके उसी बैच को थोड़ा पुश करेंगे तब तक के लिए जब तक कि नया सिलेबस नहीं आ जाता है। होपफुली सॉलिड स्टेट विल बी इंक्लूडेड, सो डोंट वरी, एंड नाउ वी विल मीट अप इन द इवनिंग विद द न्यू लॉन्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल बेटा।